सलाम अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि चील कूड़ेदानों और कचरे के ढेरों के पास क्यों नजर आती हैं? और अगर आप ये नहीं जानते तो आज जान लीजिए, और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि चील की दुम दो हिस्सों में बटी होती है। चील एक गोश्त खाने वाला परिंदा है। जिंदा या मुर्दा जानवरों का गोश्त इसकी पसंदीदा ग़िज़ा है। ये भूरे रंग की होती है और इसकी दुम दो हिस्सों में बटी हुई होती है। कूड़ा कचरा कीड़े मकोड़े कीचुए सब इसका मनपसंद खाना है। इंसानी आबादियों के पास कूड़े दानों और मलबे और कचरे के ढेरों के पास ये आपको ऊपर आसमान पे चक्कर लगाते नजर आ जाएंगी। शहर के गांव के किसी भी ऊंचे पेड़ पर इनके बेढंगे से घोंसले देखे जा सकते हैं। मादा चील सितंबर और अप्रैल के दौरान गुलाबी सफेद रंग के 2 से 4 अंडे देती हैं। बरहमनी चील लाली लिए हुए भूरे रंग की। इस चील का सर, गर्दन और सीना सफेद रंग के होते हैं। ये नदी नालों, धान के खेतों और समंदर के किनारों पर मछली, मेंढक, सांप पकड़ती और पानी से हर किस्म का कूड़ा किरकिट उठाती नजर आती हैं। ये अपना घोंसला सूखी टहनियों पर हरे पत्ते रख कर बनाती हैं, और दिसंबर से अप्रैल के दौरान सुरमई सफेद रंग पर लाल भूरे धब्बों वाले 2 अंडे देती हैं। काले परों वाली चील, ऊपर से सुरमई और नीचे से सफेद रंग की, ये चील बाकी चीलों से बहुत छोटी होती है और इसकी आंख के ऊपर काली लाइन होती है और कंधों पर काले निशान। इसकी दुम सफेद होती है। इस चील को पेड़ों पर रहना बहुत पसंद है और ये शाम के वक्त खाने की तलाश में निकलती है। चूहे, छिपकली, गिरगिट और बड़े बड़े भंगे ये सब अपने मजबूत पंजों में पकड़कर ले उठती है और सब खा देती है। छोटे छोटे पेड़ों पर ये अपना ओबड़ खोबड़ा गांव घोंसला बनाती हैं, जिसमें ये पूरे साल में किसी भी वक्त 3 या 4 पीले से सफेद अंडे देती है। इसके अंडों पर भूरे रंग के बड़े बड़े धब्बे भी मौजूद होते हैं। चील परिंदों का शिकार नहीं करती बल्कि उन्हें उचक लेती है। नीज ये परिंदा बहुत कमी के साथ उड़ता है। इसके बारे में ये मशहूर है कि ये अपने पड़ोसी का बहुत ख्याल करती है, हत्ता कि इसका पड़ोसी मर जाए तो इसके बच्चों को हलाक नहीं करती बल्कि उनकी परवरिश करती। चील बाईं जानिब से शिकार करती है, इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि चील एक जानिब नहीं देख सकती। चील उमूमन 1 मीटर तक बड़ी हो सकती है और इसके परों का फैलाव तकरीबन 2 मीटर तक हो सकता है, यानी एक सेहतमंद आदमी के बाजुओं के फैलाव जितने। हमारे मुआशरे में नेकी का तसव्वुर एक चील गोश्त का सदका भी है। लोग दरियाओं, नहरों, वीरानों के किनारों पर चील गोश्त का बेचते हैं और जानवरों के फेफड़े वहां लाकर फरोख्त करते हैं और लोग खरीद कर उनको चीलों को डाल देते हैं, जिसकी वजह से चीलों की तादाद में इजाफा हो गया है और चीलें लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। रोडों पे गुजरने वाले लोग बहुत मुतासिर हो रहे हैं। हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए कि हम इस तरह, अगर हमने गोश्त डालना भी है, हम उनको एक तरीके से डालें, ना ये कि हम चौराहों पे, चौकों पर डालें और आने जाने वाले मुसाफरों को तंगी हो। चील के कुछ तिब्बी खवास भी हैं। चील के पित्ते को साया में सुखा कर शीशे के बर्तन में भिगो कर किसी भी जहरीले जानवर के डसने की जगह एक कतरा टपकाने से जहर का असर जायल हो जाता है। इसी पित्ते का सुरमा आंखों में अगर किसी चीज ने काटा हो तो लगाने से फौरन आराम आ जाता है। चील के पित्ते को बारीक पीस कर सांपों के बिल में छिड़कने से तमाम सांप मर जाते हैं। सांस में प्रॉब्लम वाले मरीजों के लिए चील के खून को मामूली मुश्क या अरके गुलाब में मिलाकर इस्तेमाल कराना मुफीद है। जिस घर में चील का पित्ता लटका दिया जाए उस घर में सांप, बिच्छू और जहरीले हशरात दाखिल नहीं हो सकते। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।